अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम गए थे अल सदीक पे। तो मेरा मूड बना के ना हम लोग ना उधर ना तस्वीर बना, मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ, आपसे भी घूमना फिरना शेयर कर लेती हूँ। मेरी छोटी बहन, मेरे बाबा और मेरी छोटी बहन ना, और मैं और मेरी मम्मा, मेरे चाचा लोग गए थे गाँव में दावत खाने। हमने सोचा वो दावत खाने गए, हम पीछे से मज़े हो रहा था, फिर हम गाइस चले गए। आप देखें दुआ एक मिनट भी टिक के नहीं बैठी, काम तो चेक करें गाइस। पहले गाइस बाबा लोगों ने ना नहीं पढ़े ऑर्डर किए, और दुआ ने हमें किया खूब तंग। देखें उसके मुंह के स्टाइल, ये पुफियों की नकलें उतार रही है कि पुफियां हमारी ऐसे करती हैं और आ जाती हैं, ये करती हैं, ये देखें ये बच्चों का हाल, और देखें इसका डांस, देखें ये देखें बाबा के साथ लड़ाई। और बहुत जब भी हम गाइस किधर जाते हैं ना, तो है ना ये हर दिन फूफियों की बात करती है, फूफियाँ हमें चिल्ला गए हैं, वो गंदी हमें कुछ लेके। और फिर उसके बाद अब्बास ने किया ऑर्डर, अब्बास ने किए दही बड़ों का ऑर्डर, और साथ में हमने दही बड़े खूब इंजॉय किए। और मैंने कहा अब्बास फ्रूट, ये देखें ये अपने बाबा के साथ लड़ाई देखें इसकी। फिर बैठ के वेटर कुछ नहीं कहना मानते, वेटर को बुलाएं वेटर कहना नहीं मानते, फिर आगे से ये कह रही थी। और बाबा के उधर मिल गए दोस्त, उन लोगों ने हमें आइसक्रीम मंगवा के दी ले बाहर, और उधर ना बाबा लोगों के दोस्त मिले, उन लोगों ने ना हमें आइसक्रीम लेकर दी। बाबा से थोड़ी छोटी छोटी बातें करती रही और हमने टाइम स्पेंड किया। जो बाबा ने ऑर्डर किया था वो भी लेट था, फिर बाबा ने कहा फूफा तो घर की जान होती है, ऐसे नहीं कहते फूफा, इसे पता नहीं कब पता चले। दुआ को तो चलाकी माई को कुछ पता भी नहीं है, फूफो तो पड़ी होती है ना, मगर ये तो समतम। और ये लोग गए हुए थे गांव में दावत खाने, और हमने सोचा कि हम भी क्यों ना बाहर से खाना खाएं। मैंने घर में खाना ना बनाया तो फिर हम भी बाहर चले गए, और हम बाहर जाके खाना खा के आए। और जब हम अभी गए तो ये लोग वापस भी आ गए। हाय हाय हमारा सारा प्लान इन्होंने आके चौपट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप लोग कहाँ गए हो, अभी तो घर नहीं आए। हमने कहा हम ना बस बाहर गए हैं आइसक्रीम खाने गए, हम अभी आ रहे हैं, तो इसलिए हमने ना इनके साथ फ्रॉड किया घर वालों के साथ। और ये देखें जी दुआ की जुबान इतनी चलती है, इतनी चलती है, कभी दादों के साथ, कभी बाबा के साथ, कभी चाचू के साथ, बस ऐसे ही हर टाइम ये लड़ते रहते हैं आपस में। और बाबा तो कहती है मेरी जान है, और बाबा तो कहते हैं मेरी जान है, और दुआ इतनी लड़ाकी है कि ना मुझे भी इतना मारती है घर में कि क्या करें। कभी चाचू से कहती है चाचू आप गंदे हो, आपकी बेटी गंदी है, कभी चाचू को मोटा कहती है, इतना कुछ कहती है, मगर फिर भी हम ना इस दुआ को समझाते हैं, दुआ समझ लिया करो, क्योंकि ना चाचू आपसे बड़े हैं और आप तो चाचू को हर दिन गालियाँ देते हो। चलिए जी हम वैसे ही ऑर्डर का वेट कर रहे थे बैठे हुए, ये देखें आप दुआ का डांस और दुआ की शोखियाँ चेक करें, इतनी शोखी है ना कि कल ना पुप्पो आई हमारे घर में बशीरा, तो उन्हें कहने लगी कि आपकी पोतरी तो फीनी है, हालांकि इसने देखी भी नहीं हुई थी, तो फिर भी पुप्पो से ऐसे कह रही थी। मैं कहा ऐसे नहीं कहते बड़ों को। उतनी देर में हमारे आ गए जी दही बड़े, और हमने दही बड़े खाने शुरू किए। दही बड़ों की प्लेट मंगवाई थी हमने एक, और हम थे दो लोग, और साथ में थी हानो दुआ भी। हानो दुआ ने खैर खाए तो नहीं है, लेकिन मैंने और अब्बास ने ही खाए थे। अब्बास साहब ने तो बहुत मज़े ले लेके खाए, और उसने कहा इस तरह के बड़े तो मैं कभी खाते ही नहीं है। ये जी दुआ को चेक करवा रहे हैं, फिर हानिया को चेक करवा रहे हैं, और हानिया मैडम ने कहा पापा बड़े ज़बरदस्त दही बड़े हैं, और साथ में जी इनकी आइसक्रीम भी आ गई जो इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। वो आइसक्रीम खाने लगी और खा के कहती मम्मा बड़ी मज़े की है। इन लोगों ने बस बच्चों ने तो खास पता ना आइसक्रीम ही खाई, और कुछ तो इन्होंने खाया ही नहीं। मैंने हानिया की थोड़ी सी मेहनत की, मैंने कहा आप बेटा खाना खा लो आप बड़े हो गए हो, तो फिर हानिया ने थोड़ा सा कहना माना, लेकिन दुआ साहिबा ने तो बिल्कुल नहीं माना। और फिर हमने मैंने इससे मांगी आइसक्रीम, लेकिन इसे मुझे नहीं दी, बाबा को दे दी है। देखें बाबा आप खाएं, मैं क्या मम्मा नहीं दे, मामा को नहीं दे सकती, मम्मा को तो नहीं दी। कहती अच्छा मम्मा आपको भी देती हूँ। फिर मैंने दुआ से नहीं ली, हानिया से लेके खाई। फिर हमने जी मैंने कहा बात सुने कहीं जल्दी आ जाए खाना, घर चलें इतनी देर हो गई है। तो फिर हम ने खाना
तब तक इनकी आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी जब तक हमारा खाना आया था। ये बड़ी स्लो स्लो मोशन में आइसक्रीम खा रही थी। जैसे ही इन्होंने आइसक्रीम खाई तो फिर उसके बाद हमारा खाना भी आया। ये चम्मच से बिल्कुल छोटे से प्लास्टिक से, और मेरे से तो एक इसका चम्मच भी टूट गया था एंड में। फिर ये थोड़ा सा पिटी पिटाई और फिर उतनी देर में हमारा आ गया खाना। जी हमने खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने मैंने खाना शुरू किया ही तो मैंने कहा बस बस मुझे मैंने बस कहते खा भी लो गरम गरम है। अच्छा बस थोड़ा सा व्लॉग बना लो फिर खानी है। ये देखिए जी दुआ साहिबा ने साइड चेंज कर लिया, बाबा की उस साइड पे आके लेग पीस ले रही है और लेग पीस दुआ ने खाया। और दुआ ने सिर्फ मेरे ख्याल से ये लेग पीस ही खाया था, रोटी वगैरह कम ही खाई थी। फिर मैंने बेबी को भी दिया, मैंने कहा हानी बेबी दोनों आप खाओ, ताकि मैंने घर जाके कुछ भी नहीं देना, जो पुरानी अम्मा की रवायत होती है मैं घर जाके तुम्हें कुछ नहीं देना, खा लो इतने ही, घर कुछ नहीं है, मैं बनाया मैं को नहीं। फिर उन्होंने बाप बेटी ने शेक नहीं खवाया, और शेक था खजूर का और वाकई बहुत मज़े का शेक बना था जी। हमने सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, हम जूसों ने ना मंगवाया एक ही गिलास था तो सब ने, मैंने तो खैर बोतल पी हुई थी तो मैंने कहा मैंने तो नहीं पीना, लेकिन फिर भी अब आपने कहा टेस्ट करो। हानिया ने कहा जी फर्स्ट क्लास, अब दुआ चेक करेगी, इसके बाद दुआ चेक करके बताएगी बाबा को, बाबा बड़ा ज़बरदस्त है। मैं क्या तुझे मैंने कहा आ मैं तुम घर मिल्क शेक बना देना बस ने जानती कर, हर कम कार नहीं करी था, किसी टाइम बाहर भी खा पी लेता हूँ। तो कंजूस तो मैं वैसे बहुत हूँ, लेकिन अब अब्बास के साथ रह रह के ना थोड़ी सी मेरी कंजूसी ख़त्म हुई है। ये देखिए जी दुआ मैडम चेक कर रही है, उसके बाद बाबा ने स्पीड लगानी है और फिर जी हमारा शेक हो जाना है ख़त्म। उसके साथ हमने जाना है घर, और दुआ हानियाँ भी ना चेक वेक कर रही हैं। देखें जी चेक वेक हो रहा है, अभी ना बड़ी अदालत में पास होएगा फिर हमारे पास आएगा। और ये जी हमारा जूस हो गया था फिनिश, और उसके बाद पापा ने दिया बिल और हम घर का रास्ता पकड़ के घर की तरफ आ गए। और ये आगे था लिमका वगैरह, किसी ने ड्रिंक पीना हो तो बहुत मज़े का। और आगे बाटा वाली शूज थी, उसके बाद हमारा घर। गाइस के साथ ही अल्लाह हाफिज़, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। घर हमारा पास ही है, हमारे ना इधर सीटिंग बनाई हुई है उन्होंने बैठने के लिए चौधरीों ने जी। ये जी हमारा घर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, देख ले आ गया, अल्लाह हाफिज़।